भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल में हुआ आरंभ 2022 दीक्षांत समारोह। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने समारोह में की शिरकत। आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर भी रहे मौजूद। भाभा यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति डॉक्टर साधना कपूर ने की शिरकत। छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल में आरंभ 2022 दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बीडीएस के 64 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई, वहीं एमडीएस के 11 छात्र छात्राओं को मास्टर डिग्री के साथ ही उपाधि से नवाजा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आरकेडीएफ ग्रुप की सराहना करते हुए कहा कि यहां से पास आउट हो रहे छात्र छात्राओं ने जो शपथ ली है वो उनके काम में और सेवा भाव में दिखाई देनी चाहिए। आज जिनको उपाधियां दी जा रही हैं उनमें छात्राएं अधिक हैं। सरकार का एक अभियान चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब इसका उलट हो गया है। अब बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ आज की जरूरत बन गया है। मैं जब भी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तभी बहुत से बच्चों ने फूल से फूल बरसाए और मेरे स्वागत किया, उसके लिए सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। समारोह में मौजूद महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, गौरवान्वित अभिभावकों और संकाय सदस्यों सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं समारोह को आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर ने संबोधित करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन मध्य प्रदेश, मेक इन भोपाल, मेक इन ग्रुप के लिए संस्थान कोशिश कर रहा है। 5-6 चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा। कोई सब लोग आदरणीय महामहिम जी के भाषण को सुनना चाहते हैं। एशिया का सबसे पहला कार्बन कैप्चर प्लांट, वर्ल्ड का तीसरा कार्बन कैप्चर प्लांट का आविष्कार इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। डेंटल इम्प्लांट का आविष्कार, जिसका पेटेंट परम आदरणीय प्रधानमंत्री की जी द्वारा सराहा गया, बहरे बच्चों के लिए उस इम्प्लांट के बाद कंडक्शन से और इंडक्शन से उनको सुनाई देता है, इसका आविष्कार भी इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शामिल भाभा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर साधना कपूर ने कहा कि भाभा विश्वविद्यालय शिक्षा में नवाचार के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहता है और कोरोना महामारी के दौरान भी बड़े ही सेवा भाव से विद्यार्थियों ने काम किया है। सामाजिक कार्यों में हो या आम जनता की सेवा, भाभा विश्वविद्यालय हमेशा पहली पंक्ति में रहता है। पिछले दिनों आई कोविड-19 महामारी में विश्वविद्यालय के स्टाफ, कर्मचारियों, विशेषकर डेंटल और नर्सिंग के स्टाफ और विद्यार्थियों ने शासन की दी हुई भूमिका कोविड-19 में बढ़ चढ़कर समाज की सेवा करने का प्रयास किया। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर की कुलपति डॉक्टर श्रुति कपूर ने छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैं सारे डॉक्टरों को कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि रोगों को दूर करने के लिए कितना मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है, और वो चीज़ मैं समझती हूँ। तो मैं सभी डॉक्टरों को बहुत कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। आपने अपना पैशन फॉलो करे, फॉलो योर हार्ट। आरंभ 2022 दीक्षांत समारोह में शामिल छात्र छात्राएं भी उपस्थित नजर आए। 5 साल के बाद डॉक्टर सनी जायसवाल के नाम से जा रहा हूँ। काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है, मेरे घर वालों को भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। भाभा डेंटल कॉलेज में जो हमें शिक्षा मिली है काफ़ी उच्च पद्धति की मिली है। आशा करता हूँ आगे चलकर हम बहुत ही अच्छा काम करेंगे, एमपी के लिए अच्छा करना चाहूँगी अपने कॉलेज को, कि उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ दिया। अब हम डॉक्टर्स बन चुके हैं, 5 साल पहले कुछ नहीं थे, आज हम डॉक्टर्स हैं, तो थैंक यू। इस भव्य आयोजन में डेंटल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज मित्तल ने छात्र छात्राओं को चरक शपथ दिलाई। कार्यक्रम में भाभा विश्वविद्यालय कुलपति दिलीप कुमार डे, सीईओ श्री प्रसाद पिल्लई,
कुल सचिव डॉक्टर श्याम पाटकर समेत सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कुमार संदीप की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।